हेलो गाइस, पैरामाउंट डीजे मंडी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे नेटफ्लिक्स अमेज़न प्राइम से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल की है। और देन उसी के साथ एक छोटा सा नोट, अगर आप सोच रहे हो कोरोना वायरस के चलते आप घर पर बोर हो रहे हो और आपको कोई भी अपडेट नहीं पता चल पा रहे हैं, तो आप ऐसा गलत सोच रहे हो। आप मेरे सोशल मीडिया को फॉलो करिए जिससे कि आपको सारे अपडेट तुरंत पता चल जाए। तो अभी हाल ही में रिसेंट में लॉन्च हुए एवेंजर्स एंड गेम के बिहाइंड द सीन, जिसमें कि हमें ब्लैक पैंथर और डॉक्टर स्ट्रेंज का बिहाइंड द सीन देखने को मिला, जिसमें कि काफी लोग कह रहे हैं कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का है, बट ऐसा नहीं है। तो ये अब क्लियर हो चुका है। अब कमेंट सेक्शन में ऐसा मत बोलना कि डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच वाला जो सीन था वो 2 पार्ट का था, पर ऐसा नहीं है। तो ये सीन काफी सारे अच्छे हैं, जिसमें कि टॉनी और थोर का तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अगर आपको फुल एचडी डाउनलोड करना है तो आप ट्विटर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। देन उसी के साथ एक बिग न्यूज, अभी हाल ही में रिसेंट में हमें वेनम और कर्नेज का एक लुक नज़र आया, जिसमें कि आपको टॉम हार्डी नज़र आ रहे होंगे और वेनम और कर्नेज की फाइल नज़र आ रही होगी, और तो और ऑफिशियली एक लुक भी नज़र आ गया। जी हाँ, ये देखिए। तो अभी ये ऑफिशियल कंफर्म भी नहीं है एक तरीके से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि कोई ऐसा प्रूफ नहीं आया कि ये उसी सीन का है या मूवी का है, क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन में आखिर कौन देख रहा है। या तो ये टेस्ट स्क्रीनिंग है, आप बताइए ये है क्या एक्चुअल में। और देन उसी के साथ क्लॉसिस का एक नया कौन सा पार्ट आया, जिसमें कि क्लॉसिस की न्यू ड्रेस दिखाई है, जो कि डेडपुल के अभी राइटर ने रिवील्ड करा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देन ऐसा कॉस्ट्यूम वो पहनने वाला था, जेसिका जो कि एक्समैन डार्क फोनिक्स में विलेन का कैरेक्टर प्ले कर चुकी है, अब वो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में काम कर सकती है एक मेजर रोल के लिए। अब देखते हैं वो कौन सा रोल होगा। केबल दोबारा से हमें देखने को मिल सकता है और जो स्क्रोलिंग इंटरेस्ट है इसको कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। देन एक गुड न्यूज़ है अमेजॉन प्राइम सब्सक्राइबर के लिए, पिक कार्ट का सीजन 1 से आपको एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 10 तक आपको सारी हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। जी हाँ, तो गाइस जाके देखो। देन उसी के साथ नेटफ्लिक्स की टॉप क्लास मूवी द प्लेटफॉर्म, ये इंग्लिश में रिलीज हुई है, पर गाइस इसको मूवी को देखना, आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत ही कमाल की मूवी है। देन उसी के साथ जैक स्नाइडर ने एक और बिहाइंड द सीन रिलीज करा गया, जो कि जस्टिस लीग का था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जिसमें कि हमें एटम देखने को मिल रहे हैं जो कि छोटा बड़ा हो जाता है एंटमैन की तरह। देन ओजार्क फाइनली इसका तीसरा सीजन आ चुका है हिंदी में, तो गाइस जाके देखो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देखो पेज को लाइक करें, रील में आपको जो वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।